नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्म कुमारीज के प्रभागों द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला चालू। स्वर्णिम भारत के लिए श्रेष्ठ कर्म करने का आह्वान। यूपी के हाथरस में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हुए शामिल। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा जेंडर इक्वालिटी को लेकर ऑनलाइन टॉक। कई विशेषज्ञ चर्चा में हुए शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर राष्ट्रीय अभियान के तहत ब्रह्मकुमारी संस्था के प्रभागों द्वारा कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ हो गया है। चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको छत्तीसगढ़ के दुर्ग की खबर, जहां बघेरा स्थित आनंद सरोवर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक अरुण वोरा का आगमन हुआ। साहू जी ने अपने भाषण में कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाना है, तो वहीं अरुण वोरा ने ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र को मानसिक शांति का केंद्र बताया। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये अभियान आपके सामने लाया गया है, इसको मन लगा करके आप स्वीकार करें और इसको अमली जामा पहनाए, लक्ष्य तक पहुंचाने के काम करें। ये निवेदन आपसे करना चाहता हूं। अगर इस काम को हम लोग कर पाए तो आने वाली पीढ़ी हमारी खुशहाल होगी। जब हम यहाँ पर आते हैं तो निश्चित रूप से हमको मानसिक शांति। इस कार्यक्रम में महापौर धीरज बाकलीवाल, पूर्व महापौर शंकरलाल ताम्रकार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद भी मौजूद थे, जिनका सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। अब अगली खबर आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहाँ संस्था के समाज सेवा प्रभाग ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें चर्चा का विषय रहा मानवता के संरक्षक। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर सरल एजुकेशन हैदराबाद के वाइस चेयरमैन डॉक्टर भरत पाठक, भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदिता पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। समाज सेवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर और छतरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शैलजा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत को स्वर्णिम भारत बनाने की जिम्मेवारी हम समाज सेवियों पर सबसे ज्यादा है और हम मिलकर स्वर्णिम भारत का सपना चरितार्थ करके दिखाएंगे। अब इस भारत भूमि को फिर से ऐसा सुंदर, स्वस्थ, स्वच्छ, स्वर्णिम भारत ये कौन बना सकता है? तो निश्चित है वो जिम्मेवारी भी हम सभी के ऊपर। सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भरत पाठक ने सबसे पहले ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र किया। उसके पश्चात सभा में मौजूद लोगों से कहा कि सजग नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम शिद्दत से इस पुनित कार्य में अपना पूरा सहयोग दें। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नंदिता पाठक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमें समाज की समस्या के समाधान की दृष्टि से प्रयत्न करना है। उस प्रयत्न में जो भी वहाँ पर काम कर रहा है उसका हमें सहयोग करना। स्वर्णिम भारत का अर्थ भी हम लोगों ने अभी जो अपने इस प्रांगण में जो म्यूजियम है कल्पना जी ने हम लोगों को बताए थे, तो स्वर्णिम कैसे होता है वो सब हम लोग मिलजुल कर करें, बहुत अच्छे से रहें। इसी क्रम में अब खबर दिखाते हैं आपको इंदौर के प्रेमनगर की, जहां आजादी के अमृत महोत्सव एवं शहीदी दिवस पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सत्यता और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिलाई। बिना हथियारों के भी क्या किया उन्होंने, तिरंगियों को भगा दिया समझो, है ना, यहाँ से भारत देश से, और भारत को क्या दिलाई, आजादी दिलाई। तो कितने वो राजनेता तो थे लेकिन कितनी उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। आध्यात्मिक शक्ति उसी व्यक्तित्व के अंदर रहती है जो कथनी और करनी को एक करता है। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर बलवीर सिंह छाबड़ा ने देशभक्ति गीत गाते हुए आजादी के महत्व की ओर सभी का ध्यान खिंचवाया। यूपी के हाथरस में भी ब्रह्म कुमारीज ने शहीदी दिवस एवं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका शुभारंभ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और नगरपालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने
देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर 2 मिनट का मौन रखकर किया। कार्यक्रम में आगे राज्य शिक्षिका बी के शांता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किए गए ब्रह्मकुमारी इसके साथ अभियानों की जानकारी देते हुए कहा कि इसे हम पूरे वर्ष इसी उमंग उत्साह से चलाएंगे। ऐसे झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ विधायक सीपी सिंह, बागवानी शोध संस्था के निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, रांची आईएमए के पूर्व सचिव डॉक्टर श्याम सिडाना, विधिक माप विज्ञान संस्था के पूर्व निदेशक डॉक्टर अवधमणि पाठक, एचईसी के पूर्व महाप्रबंधक हेमंत गुप्ता, इंस्पेक्टर कनक भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी बी के निर्मला ने दीप जलाकर किया। शुभारंभ के पश्चात विधायक सीपी सिंह समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों ने अमृत महोत्सव के प्रति अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बी के निर्मला ने कहा कि भगवान धर्मयुक्त राज्य की स्थापना कर रहे हैं। प्रभा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में संकल्प ले हम सभी भारतवासी होने के नाते, भारत माता के सपूत होने के नाते, तन मन धन से समर्पित होकर देश के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। जो स्वतंत्रता है वो वास्तव में आंतरिक सुख की ओर ले जाती है, आंतरिक सुख का आभास व अनुभव कराती है। स्वच्छंदता एक प्रकार से जैसे प्रकृति और व्यक्ति को शोषित करना सिखाता है, जबकि स्वतंत्रता दोनों को पोषित करती है। आत्मिक शांति तभी मिलेगी जब हम आत्मिक आजादी, आत्मिक स्वतंत्रता महसूस करेंगे। मध्य भारत एरिया में भारतीय थल सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने अपनी धर्मपत्नी समेत जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र का अवलोकन किया, जिन्हें सेवा केंद्र प्रभारी बी के विमला ने म्यूजियम का अवलोकन कराते हुए आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा की। इस दौरान ब्रह्मकुमारी संस्था से जुड़े लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान भी अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद रहे। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र के 22 साल पूरे होने की खुशी में सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बी के राधा ने सभी को मुबारक देते हुए केक कटिंग कर खुशियां मनाई। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा जेंडर इक्वालिटी को लेकर ऑनलाइन टॉक आयोजित की गई, जिसमें चर्चा के लिए निरोगम मेडिकेयर की को डायरेक्टर डॉक्टर मंजू गुप्ता, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश वर्मा, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम ऑफिसर प्रतिभा आर्य, फिजिशियन काउंसलर एंड फैमिली थेरेपिस्ट डॉक्टर उमा पंत, पालम विहार सेवा केंद्र के डायरेक्टर बी के उर्मिल कनेक्ट हुए। चलिए सुनाते हैं सभी ने किन बिंदुओं पर चर्चा की। इक्वालिटी के साथ इट इज द रोल ऑफ मदर। आई गिव यू लाइव एग्जांपल इन वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर, द फर्स्ट डॉटर केम, देन व्हेन द सेकंड डॉटर केम आई वाज वेरी मच देयर एंड द मॉम स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड प्लीज कीप इट inside, don't cry, you are the mother and you have to show the world, tumhe isko sansar dikhana hai, tumhi roenge to is bacche ko sansar kaun dikhayega, hamare liye ye ratna hai, putri ratna hai, ye aisi cheez hai ki hum isko dheere dheere is cheez mein badlav la sakte hain, aur jo ye khushi hai meri dobara beti janam lene ki, dobara se ek ladki ke roop mein aane ki, तो मैं तभी इस जिंदगी को जी भर कर जी सकती हूँ जब मुझे हर इंसान के चेहरे पे वो मुस्कुराहट दिखे एक बेटी होने पे कि हाँ आज लड़की पैदा हुई है, लक्ष्मी आई है घर में, तो हम आज लड्डू बनाएंगे और सबने बांटे। तो मैं कॉलेज लाइफ में गई, आपको पता ही है वहाँ कितने इन्फ्लुएंसेस होते हैं हर चीज को लेकर के, और उसके अंदर जब वो इन्फ्लुएंसेस आते हैं, बॉयज भी होते हैं क्योंकि मैं कोएड कॉलेज में पढ़ी थी, तो हर तरह का अच्छी बैकग्राउंड की लड़कियों को देख करके कोई छोड़ता नहीं है। पर मैंने देखा कि स्पिरिचुअलिटी में एक मेरा थोड़ा सा ट्रेनिंग होने की वजह से मैंने इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट ये पाया कि मुझे ये लगा कि कभी भी किसी इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस आपको नहीं होना है। मुंबई के कल्याण वैश स्थित प्रभु मिलन भवन में अधिवक्ताओं के लिए स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें अहिल्याबाई होलकर अवार्ड से सम्मानित ऋतुजा खेलकर, मशहूर अधिवक्ता मीनल ईमानदार, विवेक भावे, अशोक सिंह, विजय लक्ष्मी, दीपाली पटेनकर समेत 22 अधिवक्ता शामिल हुए।
ऋतुजा खेलकर ने कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाई और ब्रह्म कुमारीज द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने की बात कही। इस दौरान कार्यक्रम में जूरी स्विंग की मुख्यालय संयोजिका बीके लता, राष्ट्रीय संयोजक बीके सतीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका भी मौजूद थी और जूरी स्विंग द्वारा समाज में की जा रही सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी। ऐसे कल्याण के हनुमान नगर सेवा केंद्र पर स्पार्क विंग कल्याण द्वारा महिलाओं के लिए स्पिरिचुअल एग्जीबिशन लगाई गई, जिसका कल्याण ईस्ट बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रिया पंकज यादव, विधायक गणपत गायकवाड़ की धर्मपत्नी सुलभा गायकवाड़ समेत कई महिलाओं ने लाभ लिया। इस दौरान बीके रेणुका और बीके ज्योति ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का 7 दिवसीय कोर्स करने के लिए आमंत्रित किया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।